याकन अब्दू व याकन अस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड। ये गाइस दूसरी वीडियो है, जो ऑडियंस न्यू है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी फर्स्ट वीडियो का। ये सेकेंड पार्ट है। टोटल 100 एमसीक्यूज हैं, 51 to 100 इसमें हैं, इस वीडियो में मिलेंगे आपको जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और 50 तक एमसीक्यूज जो हैं वो इसका, इस वीडियो का पार्ट वन है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। फंडामेंटल ऑफ इस्लाम आर, कितने फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, यानी कि बुनियादी रुकन कितने हैं इस्लाम के। 5। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कलमा, पहले कलमे का नाम क्या है, कलमा तैयबा। नेक्स्ट इज, कलमा शहादत इज द कलमा नेम, कलमा शहादत जो है उसका पूछ रहे हैं ये, इनके कौन सा कलमा है, ये दूसरा कलमा है। कलमा है तमजीद इज दी कलमा नंबर, मतलब कि कलमा तमजीद का नंबर पूछ रहा है, कौन सा आता है वो, थर्ड नंबर आता है। कलमा तौहीद इज दी कलमा नंबर, कलमा तौहीद का पूछ रहा है कि वो कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पर आता है। कलमा इस्तगफार इज दी कलमा नंबर, कलमा इस्तगफार का पूछा है वो कौन से नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है। कलमा रद्दे कुफर द कलमा नंबर, कलमा रद्दे फुतर का, कुफर का पूछ रहे हैं कि किस, कौन से नंबर पे आता है, सिक्स नंबर पर। नेक्स्ट इज, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फेथ इज, के फेथ के कितनी तादाद है, टू तादाद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अहद, ओनली बीइंग वर्थ वर्शिप, यानी कि अहद का मतलब होता है एक, तो ओनली बीइंग वर्थ वर्शिप, कि जिसकी वर्शिप की जाए और वो एक हो, जैसे कि हमारा अल्लाह है, उसी की बात करते हैं। हु इज अबव एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस, किसी किस्म की लिमिटेशन से ऊपर क्या है, अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट इज द वर्ड तौहीद स्टैंड फॉर, तौहीद के मानी का पूछ रहा है, तौहीद के मानी क्या होते हैं। तौहीद के मानी अहद एक के होते हैं, वाहिद, वाहिद का मतलब भी एक होता है, वादानियत, वाहिद से ये वादानियत निकली है, मतलब एक, वादा उला शरीक, के अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। ठीक है, तो हमें इससे ये चीज़ मिलती है कि अल्लाह एक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा ईमान है ये बेसिक, उसका कोई शरीक नहीं, और वही ला शरीक है। नेक्स्ट इज, द कंसेप्ट ऑफ तौहीद हैज बीन गिवन बाय, तौहीद का कंसेप्ट किसने दिया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। व्हाट इज तौहीद, तौहीद है क्या, वनेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वादानियत जो है, मतलब अल्लाह का एक होना, ये तौहीद है। विच वर्ड इज ऑपोजिट टू तौहीद, तौहीद के ऑपोजिट क्या है, शिर्क, शिर्क शरीक से निकला है, मतलब शरीक का मतलब ये है कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, अल्लाह एक है तो वो तौहीद कहते हैं, वादा उला शरीक है वो, और तौहीद के ऑपोजिट क्या वर्ड है, वर्ड का पूछ रहे हैं बेसिकली, ऑपोजिट वर्ड क्या है, वो शिर्क के हैं, शरीक के। ये होली कुरान कंसिडर्स डैश एज एन अन
अनपार्डोनेबल सिन, शिर्क, मतलब अनपार्डोनेबल सिन का मतलब गुनाह, अनपार्डोनेबल का मतलब ये है कि जिसको माफ़ ना किया जा सकता हो। होली कुरान में कौन सा ऐसा गुनाह जिसको माफ़ ना किया जाएगा, वो शिर्क है। अल्लाह के साथ किसी का शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा गुनाह है। The Zoroastrians believe in dash. Zoroastrian का क्या ईमान है या वो किस चीज़ पे एतबार करते हैं? Duality. Duality means more than one या दो यानी एक से ज़्यादा duality से। All prophets emphasize on dash. सारे जो हमारे पैगंबर आए हैं, 1,24,000 पैगंबर्स की और रसूलों की तादाद है कम पेश, यानी कि 1,24,000 थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, कम पेश लगाना चाहिए साथ इस वजह से। तो एक चीज़ का कॉमन दर्द है वो तौहीद का। तौहीद मीन्स वहदानियत, वहदहू ला शरीक, के अल्लाह हमारा एक है। सब पैगंबर रसूलों ने ये दर्स लाजमी दिए। क्रिश्चियंस बिलीव इन, क्रिश्चियन किस पर बिलीव करते हैं? ट्रिनिटी के ऊपर, यानी कि तीन है। इसमें एक के ऊपर बिलीव करते हैं अल्लाह, वो तीन के ऊपर करते हैं। निम टाइप्स ऑफ तौहीद, तौहीद की कितने किस्में? तौहीद फिज़ात, तौहीद फिज सफ़ात, तौहीद फिद अफल, तीन किस्में। नेम रिलीजन विच डिनाइज अल्लाह एज एन अनोएबल एंटिटी। रिलीजन का नाम बताएं जिसमें वो अल्लाह को अनोएबल एंटिटी मानते हैं, मतलब जो ना जाने ना जा सके एंटिटी। बुद्धिज्म में विच इज द बेस्ट बिलीव ऑफ इस्लाम, इस्लाम का बेस्ट बिलीव कौन सा है, फर्स्ट बिलीव कौन सा है? पहला बिलीव जो अकीदा है वो यूनिटी ऑफ अल्लाह, वादा उल्ला शरीक, अल्लाह का एक पर है, अल्लाह का एक होने पर। विच इज सेकंड बिलीव ऑफ इस्लाम, सेकंड बिलीव क्या है? प्रॉफिट रूड, रसूलों पर ईमान। नेक्स्ट इज प्रॉफिट हुड इज बिलीव इन डैश द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट ऑफ बिलीव में किस प्रॉफिट पर जो है अल्लाह के किन प्रॉफिट्स पर बिलीव होना चाहिए? ऑल पर, सारे पैगंबरों पर। प्रॉफिट हुड जो रसालत का जो मल है, हैज़ बीन फिनिश्ड ऑन द प्रॉफिट, तो ख़त्म हो गया, मुंतकिल हो गया किस प्रॉफिट के ऊपर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, तो इनके ऊपर रसालत का जो अमल है वो ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रसालत या रसूल, ये क्या मानी है? टू सेंड मैसेज, के मैसेज को सेंड करना, इसलिए रसालत कहते हैं कि आप सल्लम रसूल हैं, ठीक है, क्योंकि वो रसालत उन पे ख़त्म है आकर, ठीक है। और रसालत इसे कहते हैं कि वो हमारे लिए पैगाम लेके आते हैं अल्लाह ताला का। कोई भी रसूल है उसका उनका मेन मकसद ही होता है कि अल्लाह का पैगाम आगे इंसानों को पहुँचाना, तो सेंड मैसेज, तो रसालत इसी से निकला है कि इस मैसेज को आगे सेंड करने वाले। विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला के बगैर कौन सी सूरत स्टार्ट होती है, शुरू होती है? वो सूरह तौबा है। ये वाहिद सूरत है जो बगैर बिस्मिल्ला के स्टार्ट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अ मेल इज कन्फाइंड रेप्ड इन ड्रेस्ड शीट्स, रैप्ड, थ्री। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज इन, ज़कात की अमाउंट जो है किन जगहों पर यूज नहीं की जा सकती? मदरसा में, मस्जिद में और हॉस्पिटल में।
What is साहेन? सहीहैन क्या है? तो बुखारी एंड मुस्लिम से सहीहैन कहते हैं। जिहाद बिकम मैंडेटरी इन हिजरी, किस हिजरी में जिहाद जो है वो जरूरी हो गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड हिजरी में। नेक्स्ट इज विच वन इज कॉल्ड मशरुल हराम, किसको मशरुल हराम कहा गया है? मुजदलिफा वैली को। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट मर्टर्ड इन इस्लाम, इस्लाम में पहला शहीद कौन है? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। द किसिंग ऑफ हजर असवद इज कॉल्ड, हजर असवद को चूमने को क्या कहते हैं? इस्तेलाम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ रमजान इन द इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर का रमजान का जो महीना है इस्लामिक कैलेंडर में वो कौन से नंबर पर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9वें नंबर पर है। गिव द नेम हु कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदीथ सहीफा सदीका, नाम बताएं जिसने कंपाइल किया था पहली दफा हदीस को? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु एडवाइज अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु टू कंपाइल द कुरान, कि आप सब जानते हैं कि पहले जो है दीवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक है ज़्यादातर लोगों के जहनों में था, प्लस डिफरेंट जगहों पे लिखा हुआ था, जैसे कि तो एक जगह नहीं था। कंपाइल का मतलब एक जगह कर देना, जैसे कि हम आज आप हमें जैसे मुयसर है कुरान पाक एक बुक की सूरत में, पहले ऐसे मुयसर नहीं था। तो यही पूछ रहे हैं कि हु एडवाइज अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने एडवाइज किया कि कुरान को कंपाइल किया जा सके, किया जाए? क्योंकि उस टाइम सहाबा कराम ने जंगें भी की हैं, जाहिर सी बात है, और ऐसा ऐसा उस टाइम हाफ़िज़ा बहुत अच्छा था, जो आप अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत अच्छे हाफ़िज़े से नवाजा था उन लोगों को, कि उन लोगों ने ज़्यादातर हाफ़िज़े कुरान थे सहाबा कराम में, तो जल्दी हिफ्ज कर लेते थे वो, ठीक है। तो कंपाइल करने की इसलिए भी ज़रूरत आई कि कल को जैसे आगे बढ़ना है, मौत का एक अमल है, सारों को आनी है, बेशक कुरान ही कहता है कि मौत का जायका हर रूह ने चखना है, तो कंपाइल करने की ज़रूरत आई महसूस की उस टाइम। तो हज़रत अबू बकर को किसने कहा था कंपाइल किया जाए, एडवाइस की, नसीहत की? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक जो है वो पहले खुलफा हैं हमारे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे हैं, इन्होंने एडवाइस किया था। व्हाट वाज़ द बेसिक अकीदा ऑफ इस्लाम, इस्लामिक का बेसिक अकीदा क्या है? ईमान ऑन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान, ईमान ऑन एंजल्स फरिश्तों पर ईमान, ईमान ऑन प्रॉफिट्स रसूलों पर ईमान, ईमान ऑन होली बुक किताबों पर ईमान अल्लाह की, और ईमान ऑन डे ऑफ जजमेंट डे, जजमेंट डे जो है वो आखिरत के दिन को कहते हैं, और आखिरत के दिन पर ईमान, ये बेसिक अकीदा है इस्लाम के। नेक्स्ट इज विच वर्ड इज ऑपोजिट टू इस्लाम, इस्लाम के लफ्ज के ऑपोजिट क्या है? कुफर। व्हाट डिड द होली कुरान से अबाउट शिर्क, शिर्क के बारे में होली कुरान क्या कहता है? जुल्म अजीम है, जुल्म है ये शिर्क करना, अल्लाह ताला की ज़ात में उसकी सफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, वो तो वादाउला शरीक है, उसका शरीक नहीं ठहराना चाहिए। व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वही, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है वही का?
वही अल्लाह मैसेज विच ही सेंड टू हिज प्रॉफिट्स, उसे वही कहते हैं कि अल्लाह का मैसेज जो अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट्स को सेंड किया है, मतलब रसूलों को सेंड किया हो, रसूल को सेंड किया हो, तो उसे हम वही कहते हैं। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को लेकर आगे बताते थे, सुनाते थे। व्हाट इज मेंट बाय हिडन मैसेज? वही वही का मतलब क्या है? हिडन मैसेज, छुपा हुआ पैगाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का क्या मतलब है? रसूल का क्या मतलब है? मैसेंजर, ठीक है, पैगाम देने वाला, अल्लाह से पैगाम लेके और आगे इंसानों को देते थे पैगाम। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ नबी? नबी के टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है? टू होम अल्लाह ब्लेस विद प्रॉफिटहुड इज कॉल्ड नबी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल? रसूल और नबी में क्या फर्क है? रसूल ब्रिंग्स न्यू दीन, रसूल जो है वो नया दीन लेके आता है, जबकि नबी है वो नया दीन नहीं लेके आता, बल्कि जो उससे पहले, उनसे पहले जो रसूल होते हैं, जो आए होते हैं, उनका जो दीन है वो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसे नबी कहते हैं। जो कंटिन्यू करे, जो नया दिन लेके आए, उसे रसूल कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट? पहले पैगंबर कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इफ समबॉडी आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लेम्स फॉर प्रॉफिटहुड, व्हाट विल वी से टू हिम? कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने रसूल होने का दावा करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? काजब, लायर, झूठा, ये कहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स टीचिंग? अच्छा, प्रॉफिट्स टीचिंग की जो तालीमात की, उनकी सोर्स क्या थी, कि कहाँ से वो तालीमात आती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देते थे? वही इलाही, इलाही यानी कि अल्लाह की तरफ से वही आती थी, ये सोर्स थी, वो उस सोर्स से वो लेकर वो आगे देते थे। टू विच प्रॉफिट एंजल्स ऑफर्ड सजदा? किस प्रॉफिट को एंजल ने सजदा किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। इज द वर्ड रसूल आल्सो यूज फॉर एंजल्स? क्या रसूल का जो वर्ड है वो यूज होता है एंजल्स के लिए भी, यानी कि फरिश्तों के लिए भी? नो, रसूल रसूल है, एंजल्स एंजल्स है। राइट द नेम्स ऑफ फोर फेमस एंजल्स, चार मशहूर फरिश्तों के नाम लिखें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। द गाइस, 100 एमसीक्यूज़ पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ थे, 50 ये सेकेंड पार्ट है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।